नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष यादव। आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा कान में पस बनना या सीटी जैसी आवाज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, लेकिन अगर सही समय पर इसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो इसे दूर किया जा सकता है। मैं आपको आज बताऊंगा कि यह परेशानी आप में क्यों होती है, इसके रीजन्स क्या हैं, कारण क्या है और इसका उपचार क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कान से आवाज़ आना या कान बहने का मुख्य स्रोत न्यूरल सर्किट या सेल्स होता है। इसकी वजह से कान से आवाज़ या पस बहने की प्रॉब्लम बनती है। कान बहने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसकी वजह से ही हमारे कान की नर्व में सूजन आ जाती है या इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसके कारण ही कान में बहने की परेशानी बनती है। कई बार नहाते धोते या कान में पानी चले जाने मैल की वजह से भी लोगों के कान में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी परेशानी होती है। परंतु ज़्यादातर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में देखा जाता है कि उनको पहले से सूजन बनी होती है और इसी दौरान कोई इन्फेक्शन होता है तो ये परेशानी देखने को मिलती है। हम लोग ऐसी परेशानी को हल्की और मामूली परेशानी समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन यह परेशानी धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेती है। इस परेशानी में पेशेंट को कम सुनाई देने लगता है या कान में दर्द या मवाद बनकर तरल पदार्थ में बहने लगता है। हमें खुजली जैसी महसूस होती है, हमें सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देने लगती है। कान के अंदर जो सीटी जैसी आवाज़ आ रही है इसको टिनिटस बोलते हैं। यह केवल कान के अंदर ही सुनाई देती है। आजकल बैठे बैठे कानों में तेज सीटी की आवाज़ सुनाई देती है और थोड़ी देर बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो ज़्यादातर लोगों में को जो यह समस्या होती है वो कान के अंदरूनी, बाहरी या बीच के भाग में होती है। यह परेशानी कान की नसों में भी हो सकती है। कभी कभी कान का बहना या बजना खून की धमनियों की वजह से भी हो सकता है, यानी कि हाई बीपी की वजह से भी ऐसा देखा जा सकता है। कान में मोम जैसा जमना भी इसका एक मुख्य प्रमुख कारण है, और अगर कहीं आप कान की हड्डी बढ़ रही है तो भी यह एक मुख्य कारण बन सकता है। इससे बहरेपन का खतरा भी बन सकता है। अब इसको ठीक करने के उपाय क्या हैं? कान को समय समय पर साफ कराते रहना चाहिए। अगर आपको कानों में मोम जैसा जम गया है तो उसे भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि केवल सही उपकरणों से ही आप ऐसा करें, वरना कान में घाव भी हो सकता है और कान का पर्दा भी फट सकता है। ज़्यादा शोर वाली जगहों से आपको बचना चाहिए, शादी ब्याह डीजे बारात से बचना चाहिए। कई बार दवाइयों के साइड इफेक्ट, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड वगैरह लेने की वजह से भी टिनिटस की प्रॉब्लम बनती है। किसी भी प्रकार का वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। बारिश के दौरान ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादातर पेशेंटों में देखा जा सकता है, और कई कारण बनते हैं। फोड़ा फुंसी के कारण भी कान में सूजन आ जाती है, उसके बाद भी दिक्कत हो जाती है, उसकी वजह से भी पस आना संभव है। इन सभी कारणों से कान में सूजन आ जाती है और इससे ट्यूब बंद हो जाती है, जिसके कारण रंगीन तरल पदार्थ बहने लगता है, कान के पर्दे को हानि पहुंचाता है। अब इसका आयुर्वेद में बहुत ही बढ़िया और सरल उपचार किया जा रहा है। कहीं आप में भी ऐसी कोई परेशानी ना आए तो आपको ये जानकारी आपको कहीं आप में ऐसी कोई परेशानी ना आए तो इसके लिए आप मेरा वीडियो ज़रूर देखते रहिए। इसमें किया जाने वाला जो उपचार है उसमें खास तौर पे ग्रीवावस्थी जो की जाती है पेशेंटों में, आयुर्वेद पंचकर्म के द्वारा ग्रीवावस्थी बहुत अच्छा एक उपचार है। कर्णपूरण एक बहुत अच्छा उपचार है। इसके दौरान जो ट्रैक्शन दिया जाता है उससे जो हड्डी दबने के कारण बनते हैं उसमें आराम मिलता है, उसकी सूजन में आराम मिलता है, और सूजन जैसे जैसे कम होती है, इन्फेक्शन जैसे जैसे कम होता है, पेशेंट की बहरेपन की जो दिक्कतें आ भी जाती हैं कई बार, तो वो भी कई बार पेशेंटों में ठीक हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेशेंट इन चीज़ों को सही समय पर पकड़ ले और सही इलाज करा ले। होता क्या है, पेशेंटों को जब भी ये परेशानी होती है तो वो हमारे एंटी डॉक्टर्स के पास जाता है। हमारे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं, पर जब पेशेंट ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर को कहीं ना कहीं स्टेरॉइड वगैरह चलाने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ भी छोटी सी, मैं कह सकता हूँ कि शायद भूलवश या इतना ज़्यादा ध्यान ना देना या हमारे पेशेंट की ऐसी कोई कंप्लेंट डॉक्टर को ना बताना भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है।
यदि पेशेंट हमारे डॉक्टर को बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है तो वहाँ से भी इस बीमारी को क्लियर कट पकड़ा जा सकता है, क्योंकि पेशेंट को बीमारी ठीक नहीं होता है वो डॉक्टर पे डॉक्टर बदलता जाता है, तो उसका जो प्रमुख कारण है एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का होना जिसकी वजह से सूजन और वो आ रही है, यदि हम उसको भी ठीक करें पंचकर्मा NSDR के माध्यम से तो पेशेंट को 100% ठीक किया जा सकता है। यदि आपको हमारी वीडियो इस प्रकार की अच्छी लगती है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्त यार मित्र रिश्तेदार लोगों को भेजें, और आगे की चीज़ें आपको पता हैं कि यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा आप तक अगला वीडियो जरूर मिले।